हजार स्क्वायर फीट में अब लोगों को सुनने में थोड़ा अचंभव लगेगा, लेकिन हजार की साइड में 2000 का पालन कर लेता हूँ। वो ऐसे कर लेता हूँ कि जो मेरा ब्रूडर है उसमें मैं 1000 चेक्स डाल के रखता हूँ, और 1000 रहता है मेरा फार्म के अंदर। और जैसे ही मेरा फार्म के अंदर मैंने दो पार्टीशन करके रखे हैं 500 के, तो जैसे ही मेरा दूसरा मान लो एक लॉट जैसे ही मेरा सेल होता है 500 का, तो पूरा 1000 चेक्स मैं उसमें डाल देता हूँ, तो उसमें 1000 चेक्स आराम से बने रहते हैं जब तक हमारा कमरा जो है वो खाली हो जाता है। अब जो 500 का बचा हुआ ये सेल होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही ये सेल होता है, जैसे ही मान लो इसमें 250 मुर्गियाँ बसती हैं, वो 250 मुर्गियाँ मैं कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ, वो फार्म में अपना चिक्स पूरा आ जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम टीकमगढ़ में और ये दिनेरिया पोल्ट्री फार्म है, और पिछले 7 सालों से ये फार्म रन कर रहा है। और सबसे अच्छी बात और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि एक ये पढ़े लिखे युवा ने पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय अपनाया है। तो ये किस तरीके से इसमें आए, इससे पहले क्या करते थे, और फिर इसमें इस पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान अलग अलग जो ब्रीड का ये पालन कर रहे हैं, खास करके देसी नस्ल की मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं आई, और कोई भी युवा आकर इसमें कैसे सफल हो सकता है और इसको कैसे सफल व्यवसाय बना सकता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से, और उनकी इस जर्नी को जानते हैं, समझते हैं और कुछ सीखते हैं कि अगर हम भी अगर पोल्ट्री फार्म पर आना चाहते हैं तो कौन सी ब्रीड के साथ जाना चाहिए, किस तरीके से मार्केट तैयार करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, अपने बारे में बताइए और अपना फार्म कहाँ पर, इसके बारे में बताइए। मैं ये टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ, और ये मेरा देवकी नगर कॉलोनी में न्यू बस स्टैंड के पास में है, और यहीं पे हमारा निवास भी है, यहीं पे हमारा फार्म भी है, और ये पीछे अपनी जो ज़मीन है ये भी मेरी है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमारे जो दर्शक हैं ज़्यादातर जो एज रेशियो वाले हैं वो 25 से 34 साल के लोग हैं, जो 70% हमारे चैनल को देखते हैं। बिल्कुल, और आप भी उन्हीं में आते हैं, मैं भी उन्हीं में आता हूँ। तो इससे पहले आप क्या करते थे, और पोल्ट्री व्यवसाय में आना कैसे संभव हुआ, कैसे आए आप इसमें? मैं क्या है कि मतलब वैसे मैं क्या आईटी लाइन में जाना चाहता था, तो मैंने 2011 में मेरा बीसीए कंप्लीट हुआ था, दिल्ली से मैंने किया हुआ था। उसके बाद फिर मैंने एसएससी की मैंने प्रिपरेशन की मुखर्जी नगर से, तो फिर उस और एसएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में फिर मैंने वहाँ पर प्राइवेट मेरिट्रैक कंपनी में मैंने जॉब की। तो मेरिट्रैक के दौरान क्या होता था कि मैं उसमें सर्वर ऑपरेटर था, तो पूरे नॉर्थ में मैं एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाता था जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। तो उसी दौरान मैं काफ़ी जगह घूमा, और काफ़ी अपने काम को लेके भी परेशान था, और मैं कुछ और अपने घर पे करना चाहता था। बेसिकली मैं अपने घर पे रहना चाहता था टीकमगढ़ में, क्योंकि वहाँ आप क्या कर रहे हो, कितना सक्सेस हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो फिर जब मैं श्रीनगर में था कश्मीर में, तो वहाँ पे मुझे एक मेरे सर थे, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया था पोल्ट्री फार्म को लेके। तो जब मैंने उसके ऊपर काफ़ी सर्च वगैरह किया, तो फिर मुझे अब ये क्या था कि ये शहर में कॉलोनी के बीच में था, तो यहाँ पे मैं ब्रॉयलर फार्मिंग नहीं करना कर सकता था। तो फिर मैंने देसी पोल्ट्री को अपनाया, तो देसी पोल्ट्री में सबसे पहले मैंने कड़कनाथ को लेकर शुरुआत की थी। कब स्टार्टिंग की थी सर आपने? ये मैंने किया था 2017 में। 2017 से? हाँ, 2017 से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्टिंग किया था कड़कनाथ से। तो कड़कनाथ से क्या था कि जो हमारा लोकल एरिया था उस टाइम पे लोग उस चीज़ को जानते नहीं थे, और जो जानते थे उन्होंने कभी देखा नहीं था, जो जिन्होंने देखा था उन्होंने कभी खाया नहीं था। तो काफ़ी मतलब उससे उनकी दूरी थी कड़कनाथ को लेके, तो वो दूरी अपन ने उनकी ख़त्म की। तो उसके बाद फिर मुझे उसका काफ़ी अच्छा मार्केट मिला कड़कनाथ का, तो कड़कनाथ की वजह से मेरा फार्म का काफ़ी नाम हुआ, तो कस्टमर आने स्टार्ट हुए। फिर उसकी धीरे धीरे थोड़ी उसकी डिमांड कम हुई, पहले तो एकदम बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि लोगों ने उसको देखा ही नहीं था। फिर जब उसकी डिमांड कम होने लगी, तब मैंने देसी पोल्ट्री को देसी लाइन को मैंने ज्वाइन किया। तब से ये अपना ये कंटिन्यू चालू है, और मतलब मैं कड़कनाथ का भी पालन करता हूँ, लेकिन बहुत थोड़े कम लेवल पर करता हूँ क्योंकि थोड़ी मार्केट वगैरह कम है, लेकिन उसका रेट इससे ज़्यादा अच्छा मिलता है हमें कड़कनाथ का, देसी से अच्छा रेट मिलता है। तो उसके साथ में देसी के साथ में थोड़ा कड़कनाथ का भी मैं काम करता हूँ, तो कैश डिमांड वगैरह कड़कनाथ की भी आती रहती है क्योंकि अपन ने काम ही उससे स्टार्ट किया था।
तो कड़कनाथ और देसी दोनों को लेके मैं काम ये करता हूँ। तो सर ये सपना सीड बना है, आपने कैसे इसे तैयार किया, कितने बाई कितने का है और क्या लागत आई होगी, ये थोड़ा सा बताइए। ये अपना सेट है 60x26 का, 26 इसकी चौड़ाई और 60 इसकी पूरी लंबाई है। और इसके साथ ही मैंने इसमें एक कमरा भी मैंने बनाया था जो ब्रूडर रूम के लिए, क्योंकि मैं जानता था क्योंकि टेम्परेचर को लेके पूरा पोल्ट्री का खेल होता है, तो हमें एक टेम्परेचर एक रूम में ही अपन मैनेज कर सकते हैं कि भाई उसमें हमें ठंडक रखनी है कि गर्मी रखनी है, वो एक रूम में ही हो सकता है, खुले फार्म के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक मैंने और बाकी मतलब मैंने 1100 स्क्वायर फीट का मेरा फार्म है, तो उसके अंदर मैं बड़े बड़े रखता हूँ। बाकी एकाध महीने तक कम से कम मैं, वैसे तो 21 दिन का ब्रूडिंग होता है, लेकिन अगर गर्मियों का टाइम है तो एक बात अलग है, बाकी तो एक महीने तक मैं कमरे में के अंदर चिक्स को रखता हूँ, उसके बाद ही इनको फार्म में डालता हूँ। और जो आपने इसमें फार्म बनाया है 1000 स्क्वायर फीट की जो एरिया है, इसको बनाने में लागत कितनी लगी होगी सर आपकी? उस टाइम पे मेरी करीबन इसमें 2 लाख रुपए के आसपास इसमें लागत मेरी आ गई थी। अच्छा, हाँ उस टाइम पे मतलब काफ़ी मटेरियल वगैरह सस्ते भी थे, अब तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। और उसके उस टाइम पे मतलब जो मैंने काम करवाया था उसमें केवल मेरा सेट खड़ा हुआ था बस, उसके अंदर ये मतलब छाप वगैरह नहीं हुआ था, वो मैंने अभी करवाया फिर उसका, अभी मतलब करीबन पिछले साल मैंने करवाया था, तो वो एक लागत फिर अलग आया करीबन मेरा, उसमें 60,000 रुपये उसमें मेरी लग जाता है। तो अब ये पूरा का पूरा फर्श वगैरह सारा कुछ पक्का हो गया, क्योंकि कच्चे फर्शों में क्या है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और उनको ख़त्म करना भी लगभग नामुमकिन है। अगर आपके कच्चे सेट के अंदर अगर बीमारी आ गई है तो अगर उसको पक्का किए बिना आप बीमारी हटा नहीं सकते हैं आप। अच्छा, हाँ। और इसमें सर आप जैसे आप बता रहे हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का आपका फार्म है, तो इसमें आप कितनी मुर्गियां रखते हैं? और अब ये है सर कि 1000 स्क्वायर फीट में अब लोगों को सुनने में थोड़ा अचंभव लगेगा, लेकिन 1000 के सेट में 2000 का पालन कर लेता हूँ। वो ऐसे कर लेता हूँ कि जो मेरा ब्रूडर है उसमें मैं 1000 चिक्स डाल के रखता हूँ और 1000 रहता है मेरा फार्म के अंदर। और जैसे ही मेरा फार्म के अंदर मैंने 2 पार्टीशन करके रखे हैं 500 के, तो जैसे ही मेरा दूसरा मान लो एक लॉट जैसे मेरा सेल होता है 500 का, तो पूरा 1000 चक्स मैं उसमें डाल देता हूँ, तो उसमें 1000 चक्स आराम से बने रहते हैं जब तक हमारा कमरा जो है वो खाली हो जाता है। अब जो 500 का बचा हुआ ये सेल होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही ये सेल होता है, जैसे ही मान लो इसमें 250 मुर्गियाँ बचती हैं, वो 250 मुर्गियाँ मैं कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ, वो फार्म में अपना चिक्स पूरा आ जाता है। तो लगभग अगर कहा जाए तो मेरा 1000 के फार्म में मेरे 2000 मुर्गियों का पालन हो जाता है। तो इसमें स्पेस मैनेजमेंट हो जाता है प्रॉपर, क्योंकि हम ये देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि पोल्ट्री में खास करके जो देसी है थोड़ी सी फुर्तीली होती हैं और ब्रॉयलर मुर्गी की तुलना पर थोड़ा सा कुछ उछल कूद ज़्यादा करती हैं, तो उनको 1.5 से 2 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। तो मैंने ये भी देखा आपने बांस वास के डंडे भी लगा रखे हैं। हाँ, तो बांस के डंडे से क्या थोड़ा स्पेस मिल जाता है मुर्गी। हाँ, अब जैसे जो बांस के डंडे पर कम से कम 150 मुर्गियाँ बैठी रहती हैं परमानेंट, दिनों या रात हो कोई ना कोई तो 150 नंग पीस आपके बैठे, तो अब जो मान लो ऊपर बैठ रहे हैं उस स्पेस अगर नीचे बस रहा है तो उसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए। तो इतनी ही जगह में आप आराम से 2000 मुर्गियों का पालन कर रहे हैं? इतने में 2000 मुर्गियों का पालन आराम से चल रहा है। और वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है, जैसे आपने इसी दौरान जो छोटे बच्चे रखे हुए हैं, हाँ। फिर जब ये सेल होते जाएंगे तो आप इनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। हाँ, जो जैसे अभी आपने देखा एक पोर्शन में करीबन अब पीस कम बचे हैं, उसमें करीबन मेरा 200 पीस उसमें सेल हो चुके हैं, और उसमें से जैसे ही मान लो 100-150 पीस और सेल होते हैं तो उसमें की मुर्गियां मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, बड़े एरिया में शिफ्ट कर दूंगा, तो वो वाला एरिया पूरा खाली हो जाएगा। तो उस बड़े एरिया में क्या करूंगा कि यहां का आधा चिक्स उठा के उसमें डाल दूंगा, तो यहां के बच्चों को स्पेस मिल जाएगा, वहां पे भी स्पेस मिल जाएगा। और फिर जैसे ये वाली सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे इसमें से 200-250 पीस सेल हो जाएंगे, तो इसमें का पूरा चिक्स उठा के मैं पूरा फार्म में कर दूंगा, उसके 200-250 मुर्गियाँ उठा के मैं कमरे में कर दूंगा। अच्छा, तो इस तरीके से आप इसे स्पेस मैनेजमेंट के वजह से अपना ये 1000 स्क्वायर फीट में 2000 का काम चल रहा है। बिल्कुल। तो सर अभी तक के पोल्ट्री के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि जो हमें दर्शक देख रहे हैं, तो किस ब्रीड के साथ, आपने तो बहुत अलग अलग ब्रीड का पालन किया हुआ है इन सालों में, हर 3-4 महीने में आपका नया लॉट निकलता है और परमानेंट आप काम कर ही रहे हैं, तो उनके लिए खास करके जो अपना बेल्ट है, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ओवरऑल मध्य प्रदेश में किस ब्रीड के साथ जाना चाहिए और किस कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? मुर्गी पालन का मेरा अनुभव रहा है इसमें, ये मैंने ये देखा है कि
हमें कभी दिखावे पे नहीं जाना चाहिए जी। कि टीकमगढ़ में मान लो मुर्गी पालन है, सक्सेस हमें भी डालना चाहिए। ये मुर्गी पालन टोटल आपके एरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिए में हैं। एरिए के साथ साथ में क्या है कि भाई वहाँ आपने मान लो कौन सी वेराइटी आप डाल रहे हैं। कई जगह ये होता है कि भाई नंग के हिसाब से पीस बिकता है, कई जगह पे केजी के हिसाब से। हमारे यहाँ पे नंग के हिसाब से कोई नहीं लेता है कस्टमर। आप छतरपुरी के एरिया में जाएंगे, वहाँ केजी के हिसाब से कोई नहीं लेता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें अपना एरिया देखना चाहिए कि हमारा एरिया किस टाइप से है, किस जगह पे है। अगर आपका 20 किलोमीटर पे भी आपका बिजनेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप सोचेंगे कि भाई 20 किलोमीटर के पास में बड़ा सक्सेस फार्म है, यहाँ पर भी सक्सेस हो जाएगा, तो नहीं कह सकते। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एरिया कैसा है, वहाँ पे मार्केट कैसा है, वहाँ पे मान लो कि वैरायटी वगैरह कौन सी चलती हैं, कस्टमर किन को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो उन चीज़ों को हमें सबसे पहले उनका आकलन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी ब्रीड को पे जाना चाहिए। हमें जैसे कई ये होता है कि आप ये सोचो कि कॉकरेल की आज मार्केट में आकर हम भी अगर कहीं खरीदने जाएँ तो हमें 110-120 रुपये के जी मिल जाएगा। लेकिन यहीं मान लो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं यहीं टीकमगढ़ और छतरपुर के ज़िलों में 700 रुपये पीस बिकता है कॉकरेल, और मैंने बेचा भी है और लोगों ने लिया भी, अभी बिक भी रहा है। तो ये सारा कुछ जो भी है खेल है, ये पूरा का पूरा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई जगह पे ये है कि जैसे काली मुर्गियों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो मुझे पता है कि किस सीज़न में होती है, तो मैं वो डाल देता हूँ। वो मेरी पीस के हिसाब से चली जाती हैं, वो केजी के हिसाब से नहीं जाती हैं। तो ये अनुभव आए हैं मुझे एक्सपीरियंस से। तो जो भी ये काम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपना एरिया देखें कि हम किस एरिया में हैं। एरिए के साथ में आप भाई, आप सबसे बड़ी समस्या है सेलिंग की, आप उसको सेलिंग कैसे करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को सेलिंग करना कर सकते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर आपसे नहीं जुड़ रहा है या नहीं जुड़ पाते हैं आप, अगर आप किसी कटर वाले को या डीलर को आप अगर अपना माल बेचते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका बिजनेस करना बेकार है, क्योंकि वहाँ पर आपको रेट नहीं मिलेगा, आपका माल डला रहेगा। माल डला रहेगा तो उसमें आपको काफ़ी परेशानियाँ का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे माल भी पुराना होता है, लीटर पुराना होता है। माल पुराने का मतलब ये कि भाई आप फीट का मैनेजमेंट नहीं मिला पाते हैं, फीट का मैनेजमेंट नहीं मिला तो कैनाबोलिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। कैनाबोलिज्म की प्रॉब्लम आई, माल अपन का देखने में बेकार लगने लगेगा, कस्टमर नहीं लेगा, डीलर आपको उल्टी सीधा रेट बताएगा, अब वहाँ पर आप घाटे का ही सौदा आपके साथ होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मुर्गी का खेल है टाइम और मैनेजमेंट। आपको उसको सही समय में तैयार करना है और सही समय पर उसको सेल कर देना है, वो भी सही रेट पर। अगर आपको रेट सही नहीं मिल रहा है तो ये बिज़नेस आपको नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना एरिया देखना चाहिए कि हमारा एरिया कैसा है, उस एरिए में आप कितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी मुर्गी को बेचने के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि भाई मैंने खुद देखा है फार्म को, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरी मुर्गियाँ नहीं बिक रही हैं, अब हम क्या करें। अब हम लेकर उनको ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप जाओ किसी बड़े डीलर को दे दो, क्योंकि बड़े डीलर तो जितने उनका माल तैयार हुआ ना, हो सकता है उतना ही रेट दे, उससे कम भी दे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हम उन्हें बोलते हैं कि भाई अपने यहाँ पर जो हाट बाज़ार लगते हैं, तुम खुद रख के बैठ जाओ, किसी को रख के बैठा दो, अपना माल सेल कर दो, सबसे अच्छा ऑप्शन है। हर जगह हाट बाज़ार लगते हैं, हाट बाज़ारों में लोग आते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं। तो सबसे पहले तो भाई अपना मार्केट देखें, क्योंकि किस एरिए में है आप। अब जैसे ये मेरा क्या है कि सिटी के अंदर है, तो यहाँ पे लोकल कस्टमर बहुत है, बहुत कस्टमर आते हैं हमारे पास में। आप ये मान के चलो कि एवरेज अगर एक देखा जाए तो पर डे मेरे पास में 25 से 30 मुर्गियाँ सेल हो जाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से मेरे फार्म के लिए बहुत अच्छा एवरेज है। ये 25-30 मुर्गियाँ अगर आपकी सेल हो रही हैं, तो आपका 500-600 का लॉट आपका 20 से 25 दिन या मैक्सिमम एक महीने में आपका सेल हो जाएगा। वही मैं करता हूँ, मैं बाहर किसी मतलब डीलर वगैरह के उसमें संपर्क में नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी अपना थोक में अपना रेट अब कभी बेचा है। आज भी मैं अपनी मुर्गियों को 350 रुपये में मुर्गा और 300 रुपये के जी मुर्गी आज भी सेल करता हूँ। कभी मैंने अब जो थोक वाले भी आ जाते हैं कि भाई हमें 150 पीस चाहिए 200, उन्हें को भी यही रेट देता हूँ, चाहे आप मेरे पास एक मुर्गियाँ लें या पूरा का पूरा लॉट खरीद लें, रेट में हमेशा ही देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई आप एक साथ नहीं लोगे, एक दिन का मार्केट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा ये कि भाई मैं अपने उसी रेट में मुर्गियाँ बेच लेता हूँ और मेरी बिक जाती हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले अपना एरिया देखें, एरिया के हिसाब से वैरायटी देखें। अब कई लोगों ने कड़कनाथ को लेकर इतना पालन किया और लगभग फेल ही रहे हैं हमारे एरियो में जी। देसी मुर्गियों का भी पालन किया, लगभग फेल हुए हैं। किस वजह से हुए हैं कि उनको मार्केट ही नहीं मिला, उनको यही पता नहीं था कि हमने तैयार तो कर लिया, अब लेगा कौन। और वो भी ये तब सोचते हैं जब माल तैयार हो जाता है। अभी मेरे पास में कस्टमर आए थे तो उनका फार्म लगभग बन के तैयार हो गया है, तब उनको ये भी पता नहीं था कि भाई चिक्स हम खरीदते कैसे हैं। वो एकदम से बोले हमें चिक्स चाहिए 500, देसी चिक्स चाहिए।
तो हमने कहा ठीक है, उसका ऑर्डर नहीं, बोले अभी चाहिए। तो हमने कहा भाई ये हाट बाज़ार है, सब्जी बाज़ार थोड़ी है कि उठाई हमने आपको दे दी, उसके पहले आपको ये ऑर्डर करना हो, एक दिन का चेक्स मिलेगा। बोल दे नहीं हमें तुरंत का ही चाहिए, कम से कम 15 से 20 दिन का लेंगे। तो हमने कहा पहले आप भाई पोल्ट्री की नॉलेज, आप हमने कहा चलो हम आपको दे भी देंगे, मेरे पास पड़ा है, चलो ये उठा के दे देंगे आपको, आप बेचोगे कहाँ, कहते ये हमने सोचा ही नहीं। हमने कहा 500 आप मुर्गियाँ डालोगे तैयार होंगी, फिर 500 के लिए आपको मार्केटिंग तो चाहिए आपको। अब यहाँ पे ऐसे कोई कटर शॉप तो है नहीं कि जहाँ पे भाई वो उठा लें या आप जाके उनको बेच दें। सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है कि कोई कटर काउंटर नहीं है, इनकी बॉलर की तरह या मछली पालन की मछली की तरह, यानी कि कटर शॉप मान लो इनके कटर पॉइंट होते तो प्रॉब्लम नहीं थी, कटर पॉइंट इनके है नहीं है। कस्टमर अब आप कहाँ हैं, अब कस्टमर 30-40 किलोमीटर तक आपकी मुर्गी खरीदने के लिए थोड़ी जाएगा। ऊपर से मान लो आपके आसपास में कौन बैठा हुआ है, वो सबसे पहले वहाँ पे जाके लेगा, उसको 50 रुपये महंगा ही पड़ेगा तो सबसे पहले अपने पास से जाके लेगा, आपके पास उतनी दूर तक नहीं आएगा। तो सर इन, इन इतने समय में आपने फीड का मैनेजमेंट किस प्रकार रखा है, फीड और किस तरीके का दाना उपयोग करना चाहिए ताकि जो खर्चा है वो कम से कम हो सके, मतलब हम कम से कम खर्च पे मुर्गी का पालन कर सकें। फीड के लिए मैं बताऊं कि देखो फीड के लिए ये है कि भाई जो जन को मटेरियल प्रोवाइड जो करवा सकते हैं या जो अपना कर सकते हैं वो उनको खुद का दाना बनाना चाहिए, सबसे अच्छा दाना है। मार्केट से भी आप अच्छा दाना बना लोगे, अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी मार्केट से ही अच्छा दाना निकलेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मार्केट के फीड पर आप ये मान के चलो कि जो आपकी मुर्गी 1 kg 70 से 75 दिनों में होती है वो आपके खुद के फीड पे 60 दिनों के आसपास में होनी चालू हो जाएगी, वो भी बगैर किसी डिसीज के। बस उसमें क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, आपको खुद ही आपको मटेरियल खरीदना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे या कहीं पे भी ऐसे कोई जरूरत मतलब ज़रूरी पॉइंट नहीं होते हैं कि जहाँ पे आप जाओ आपको सारा कुछ मिल जाए। आपको भाई मक्का खरीदने आपको अलग जगह पे उसको ढूंढना पड़ेगा, मान लो आपको सोयाबीन का DOC चाहिए वो आपको अलग जगह पे जाकर खरीदना पड़ेगा, 10% चाहिए वो आपको अलग जगह मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग जगह से इकट्ठी करके, अब जैसे मैं भी यही करता हूँ कि मैं अलग अलग जगह से जाके कलेक्ट करता हूँ, कहीं से जाके मक्का लिया, कहीं से बाजरा लिया, कहीं से 10% लिया, कहीं से DOC ली, अपनी एक साथ लेके रख लेता हूँ मैं, और उसी का दाना बना के मैं अपनी खुद की मुर्गियों को खिलाता हूँ। मार्केट के फीड में भी क्या होता है कि मार्केट के फीड में क्या है कि डिसीज बहुत ज़्यादा आता है, मैंने ये देख लिया है। मतलब मैंने ये देखा है कि सबसे पहले तो जो अपनी देसी नस्ल की मुर्गी है, अब मार्केट में क्या है कि मार्केट में आप सोचे कि गावरान फीड मिल जाए तो बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे तरफ तो नहीं मिलता है, मतलब बाकी एरियो की मुझे मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे मुर्गी पालन जिन एरियो में ज़्यादा है वहाँ पे आसानी से मिल जाता है, लेकिन इन एरियो में नहीं मिलता है, हमारे आसपास के ज़िलों में मिलता है ब्रॉयलर का दाना। तो एक तो महंगा ही पड़ता है, ऊपर से ये मुर्गी उससे अस्वस्थ ही होती है, सबसे पहले तो उसको क्या है कि उसको डायरिया होना स्टार्ट हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई मुर्गी को डायरिया है। क्या कई लोग ये होता है कि भाई उनको समझ में नहीं आता है, बीट को देख के वो नहीं समझ पाते हैं, वो आता है एक्सपीरियंस से। अब ब्रॉयलर के दाने से क्या है कि भाई जो ब्रॉयलर का दाना है जिस स्पीड से वो ग्रोथ देता है उस स्पीड से मुर्गी की कैपेसिटी है ही नहीं ग्रोथ के लायक, तो वो दाना वो पचा नहीं पाती है तो उसको क्या है कि उसको डायरिया होता है, और डायरिया के चक्कर में क्या है कि उसका वेट और स्लो होता है ब्रॉयलर के दाने से। कई मतलब उसमें बैर मतलब कई उसमें ऐसे हैं कि जो भाई उसको खाते हैं और पचाते भी अच्छे से हैं तो वो भाई उनका वेट जल्दी गेन होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि कई मुर्गियाँ बहुत छोटी रह जाती हैं, कई मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी रह जाती हैं। अब कई लोग बताते हैं कि ये बर्तन का मैनेजमेंट है, लेकिन हाँ बर्तनों के मैनेजमेंट के साथ साथ ये फीड का भी मैनेजमेंट की समस्या की वजह से ये छोटे बड़े का उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए खुद का फीड बनाएंगे तो क्या है कि कई बीमारियों से ही बचे रहेंगे और ख़र्चा भी कम आएगा। मार्केट का फीड जैसे आज के टाइम पर आप ये मान के चलो कि करीबन 1800 से 1900 रुपये की एक बोरी पड़ रही है, मतलब 50 kg, और अगर मैं खुद का फीड बनाता हूँ तो वो मुझे पड़ता है करीबन 1500 रुपये के आसपास, मतलब मेरा करीबन अगर देखा जाए तो एक बोरी पे मेरे करीबन 200-300 रुपये बचते हैं, एक क्विंटल पे 500 से 600 रुपये बच रहे हैं एक क्विंटल पे। अब मुझे लगता है कम से कम 60 से 70 क्विंटल, तो कितना फ़र्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपकी क्या थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे, आपका पैसा आपके पास ही बचेगा खुद के फीड बनाने से। और मैं ये भी लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि सर इतने सालों के दौरान आपने कौन कौन से और अनुभव किए हैं जो हमारे किसानों के लिए शायद उपयोगी हो सकें, वो साझा कर सकें तो बेहतर होगा। मैं जैसे आपको बताऊं कि पोल्ट्री में आपने मान लो कि
आपने सेट भी अच्छा बना लिया, आपने एक अच्छी वेराइटी के साथ में शुरुआत भी कर ली, आपकी सेलिंग भी अच्छी हो रही है। ये सब कुछ होता है शुरुआती दिनों तक, जब तक आपका सेट ना आया है। जैसे ही आपके उसमें लोट आने जाने निकलने चालू होंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे ब्रॉयलर की फार्मिंग होती है, ब्रॉयलर की फार्मिंग क्या होता है कि 35 दिन की साइकिल है, 35 से 40 दिन की साइकिल होती है। उतने दिन में क्या होता है फार्म की साफ सफाई, डिसइनफेक्टेड सब कुछ हो जाता है। इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसमें ये चलता है महीनों। तो उसमें क्या है कि जो कई ऐसे बैक्टीरिया और वायरल होते हैं जो मुर्गी को जल्दी अटैक नहीं करते हैं, और जल्दी अगर अटैक करते भी हैं तो उसको मतलब मुर्गी तक सिम्टम आने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन वही सिम्टम मुर्गियों में जब आते हैं ना तो समय आते 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 इनमें दिखने लगते हैं, वो देसी मुर्गियों में, क्योंकि ये लंबे समय तक हमारे फार्म में रहती है। तो लंबे समय तक क्या है कि उसको फिर बहुत अच्छी तरह से हमें डिसइनफेक्टेड करना चाहिए, और हो सके तो ज़्यादातर आपको क्या है कि चूने की पुताई हर लोट के बाद आप करें, और सफाई का खास तौर पर बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखना पड़ता है, जिसको हम अगर बोलें तो बायोसिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो आपको बहुत टाइट रखनी पड़ेगी। नहीं तो देसी मुर्गी पालन आपको सेट के अंदर पालना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी मतलब बीमारियां इसमें आती हैं जिनकी कोई मेडिसिन भी आप लगा के देखो आप बोलोगे भाई CID है, CID के सिम्टम और कई और डिसीजों के सिम्टम सेम है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा डिसीज है। आप मेडिसिन चलाते रहोगे, एंटीबायोटिक लगाते रहोगे, अब एंटीबायोटिकों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अगर यही पता नहीं है कि हमें किस दवाई पे कितना एंटीबायोटिक कैसा लगाना है, उसमें ये होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई उन्हें ये पता नहीं है कि कौन से एंटीबायोटिक हल्के हैं कौन से हार्ड हैं। अगर मान लो उन्हें थोड़ा बहुत ही मान लो कि जैसे मुँह से सांस लेने वाली बीमारी हुई या वो साइड में सुस्त होकर खड़ी हो जाती है, वो उसको समझ नहीं आता है उन्हों, अब वो क्या करते हैं कि उन्होंने भाई फोटो निकाला, वीडियो बना ला, किसी को भेज दिया एक्सपर्ट को, उसने बोला कौन है, उन्होंने कहा मुँह से सांस ले रही CID है, उन्होंने कहा भाई ये उन्होंने कहा जो CID की मेडिसिन वो चला दो। अब CID की कई मेडिसिन ऐसी हैं कितनी हाई एंटीबायोटिक है, उसके बाद आपकी कोई दवाई मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर आपने हाई एंटीबायोटिक चला दिया, अब आप सोचें कि भाई इससे तो ठीक हुई नहीं, अब उससे ही ठीक यूँ नहीं इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो उसका डिसीज है ही नहीं, वो कोई और बीमारी थी। जैसे कई बीमारी जैसे मान लो फंगल इन्फेक्शन में भी यही सिम्टम है, अगर आपके पास में कराया जाता है तो भी सेम सिम्टम है। अब इनके लेकिन ड्रग अलग अलग हैं, बोला जाए कि इनके ड्रग अलग अलग हैं, लेकिन आपने ड्रग दे दिया CID का, अब CID के ड्रग मान लो आपने हाई दिया, उसके बाद आप जो भी मेडिसिन चलाएंगे वो उस पर काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का आपको बहुत खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा, हो सके तो आप खुद अपना दिमाग ना चलाएं, आप सबसे पहले शुरुआती दिनों में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको दिखाएं। अगर जो भी मुर्गी आपकी मरती है या मोर्टिलिटी वगैरह होती है तो सबसे उसका अच्छा उपाय है कि उसका पोस्टमार्टम किए बिना आप उसका इलाज ही नहीं करें, ना ही कोई मेडिसिन चलाएं। क्या यहीं पे कई लोग घाटा खाते हैं कि भाई उनको बीमारी का पता नहीं होता, कोई भी कोई मेडिसिन चला दी और भाई उसके बाद कोई और मेडिसिन काम नहीं करती है, मुर्गी स्वस्थ नहीं होती है, उसके बाद उन्हें घाटा लगता है।